नमस्कार, मैं हुजूबी और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। मंदसौर के दलोदर नगर में रविवार शाम को नाबालिग से दुष्कर्म और मारपीट का घटनाक्रम सामने आने के बाद आक्रोशित हिंदू संगठनों की मांग पर सोमवार को पुलिस प्रशासन के अमले ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की। वही घटना के विरोध में नगर बंद भी रहा। बता दें कि रविवार शाम नगर की एक नाबालिग युवती को 5 बदमाश युवक अगवा कर एक सुनसान कॉलोनी में ले गए और उसके साथ दुष्कर्म कर मारपीट की घटना को अंजाम दिया। सूचना के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे हिंदू संगठनों के लोगों ने बच्ची को बदमाशों के जंगल से छुड़ाया और थाने लेकर पहुंचे। इस बीच 3 बदमाश युवकों को लोगों ने मौके पर पकड़ लिया तो वहीं 2 बदमाश वारदात को अंजाम देकर भाग निकले। मामले में कुल 5 युवक आरोपी हैं, इनमें 3 नाबालिग हैं तो वहीं आरोपी सोहेल शाह और अरबाज खान शामिल हैं। पुलिस ने देर रात तक 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और एक की तलाश लगातार पुलिस टीम कर रही है। बता दें कि रविवार देर रात बड़ी संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर दलोदा थाने का घेराव किया था और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की। वहीं सोमवार को नगर बंद का आह्वान भी किया। इसमें नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की घटना के संबंध में थाना दलोदा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें 5 आरोपियों के खिलाफ जो है उनके द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। आज उनको जो है न्यायालय में पेश किया जाएगा। इसमें जो है 376, 363, 66 पॉक्सो एक्ट के तहत जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया जी। इसमें जो है 2 बालिग आरोपी जो है वो नाबालिग हैं। इसमें बच्ची जो है रास्ते में जा रही थी तो एक फोटोग्राफ को ब्लैकमेलिंग के संबंध में जो है लड़कों के साथ लड़कों द्वारा इसी घटना के संबंध में अपराध पंजीबद्ध कराया गया कि नाबालिग लड़की है, उसके द्वारा बताया गया कि उसके साथ इस तरीके की घटनाक्रम हुआ है, मारपीट का घटनाक्रम भी हुआ है, तो उस हिसाब से जो है उसमें धारा का समावेश किया गया है। कल जो घटना हुई उसके संबंध में ग्राम पंचायत से जानकारी ली गई, जिनके द्वारा अवैधानिक रूप से निर्माण किए गए थे और सीमा क्षेत्र से बाहर था, उनका अतिक्रमण हटाया गया। आज 3 लोगों का अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। 3 लोगों के अतिक्रमण हटाए गए, 3 आरोपियों के अतिक्रमण और भी हटाएंगे सर, यही जैसे भी जिनका भी अवैधानिक होगा और जानकारियां प्राप्त होगी उस प्रकार से कार्रवाई। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर।
अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़ें राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।